तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ और आप लोग देख रहे हो इंडियन रोबोटिक्स। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो अगर आप लोग अंत तक देखोगे तो आप लोगों का पैसा बहुत ज़्यादा बचा लोगे, क्योंकि आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं, इस वीडियो में आप लोगों को बना के दिखाऊँगा XT केबल फॉर लिपो बैटरी। हाँ, ऐसा जो लिपो बैटरी आता है, इसका जो ये इसके साथ ये एक्चुअल में है एक फीमेल पोर्ट, इसके साथ एक मेल पोर्ट आता है। तो वो मेल पोर्ट का प्राइस अप्रोक्सीमेट आप लोग पकड़ सकते हो कि 50 रुपीज़ के आसपास होता है, ठीक है, अगर ऑफलाइन खरीदोगे। ऑनलाइन में तो वो तो 150 के ऊपर ही होता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि ये जो XT केबल यहाँ पे यूज़ होता है, या फिर बोल सकते हो ये जो XT कनेक्टर है यहाँ पे यूज़ होता है, इसका पैसा कितना ज़्यादा होता है। तो वो खरीद के वो जो पैसा आप लोग लॉस करते हो या वो जो पैसा आप लोग खर्चा करते हो, उसको आप लोग बचा सकते हो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखोगे। क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा एक XT कनेक्टर या XT कनेक्टर फॉर लिपो बैटरी, जिसको आप लोग कितना पैसा लगेगा, 5 रुपये 6 रुपये में आप लोग बना सकते हो घर में। तो इसलिए वीडियो को देखते रहो और ऐसा XT कनेक्टर जो मैं दिखाने जा रहा हूँ आप लोग बना लो और आप लोगों का पैसा बचा लो, ठीक है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। अभी क्या है, अभी आप लोगों को एकदम बड़ा एकदम मोटा कॉपर वायर चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा सिंपल सा कॉपर वायर आप लोग ले लो जिसमें थोड़ा सा एटलीस्ट स्टीपनेस होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा कॉपर वायर आप लोगों को लेना पड़ेगा, फिर इसको ऐसे बेंड करना पड़ेगा। आप लोग देखिए, ऐसे बेंड करना पड़ेगा। बेंड करने के बाद आप लोग ये जो XT कनेक्टर है लिपो बैटरी में ऑलरेडी ऐसा होता है, तो इस पर आप लोगों को इसको लगा के देखना है, ठीक है, सेब में एटलीस्ट जाए इसके अंदर। तो आप लोग ऐसे चेक कर लो, एक ही में कनेक्ट करना, दोनों में अगर शॉर्ट सर्किट मारोगे तो यहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि ये लिपो बैटरी है। ये इससे काम करने के टाइम पे हम लोगों को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग ऐसे देख लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो उस हिसाब से आप लोगों को इसको बेंड करना है। तो अभी क्या है कि एक XT कनेक्टर का जो पॉइंट है, एक पॉइंट पे हम लोग ऐसे दो दो वायर देंगे, मतलब इसका ये जो शेप मैंने बना लिया, यानी ये जितना मैंने बनाया इसके हिसाब से अभी मेरे को 4 काटना पड़ेगा। तो चलो 4 काट लेते हैं। दो तो मैं पहले ऑलरेडी काट चुका हूँ, ऐसा है, तो अभी मैं और 2 काट लेता हूँ। तो अभी आप लोगों को लेना है एमसील। एमसील का 2 कंपाउंड आप लोगों को इसके अंदर पे दिखेगा। इसका सेम क्वांटिटी का दोनों कंपाउंड को लेके आप लोगों को अच्छे से इसको मिक्स करना है, ठीक है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। अभी क्या करना है आप लोगों को, अभी ये जो 2-2 करके आप लोगों ने काटा है वायर, इसको आप लोगों को लगाना है ये XT केबल पे। देखो ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है, आप लोग बना भी लोगे, मुझे ये पूरा खुद पे भरोसा है कि आप लोग बना लोगे ये वीडियो देख के। तो ऐसे किया, अभी जो ये चीज़ आप लोग करने जा रहे हो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो इसके लिए आप लोगों को मैं एक चीज़ प्रेफर करूँगा। आप लोग थोड़ा सा ऐसा सेलो टेप ले लो, ठीक है, ये जो सेलो टेप आप लोगों को दिख रहा है, ऐसा सेलो टेप आप लोग ले लो, नहीं तो ब्लैक टेप, कोई भी टेप हो या पेपर हो, जो भी इंसुलेट कर पाए वैसा चीज़ आप लोग ले लो। लेने के बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे जो वायर जो है एक्स्ट्रा निकला हुआ,
इसके ऊपर आप लोगों को लगाना है। क्यों लगाना है? अगर आप लोग ये नहीं लगाओगे, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसके ऊपर नहीं लगाओगे, तो हो सकता है कि आपका जो दो पॉइंट पे आप लोग जैसे कनेक्ट करोगे, हो सकता है कि ये दो पॉइंट शॉर्ट हो जाए। और क्योंकि ये लिपो बैटरी है, तो ये दो पॉइंट अगर शॉर्ट होगा तो आप लोगों को दिख सकता है। अगर आप लोग देखना चाहते हो दो वायर बस लगा के देखना, एक स्पार्क पे आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जो भी हो, अभी आप लोगों को इस पे भी दो पॉइंट पे, इस पे और सोलो टेप लगाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपका क्या हुआ कि वो वाला इंसुलेटेड है, इसलिए इस पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका जो एमसील आपने जो मिक्स करके रखा है, इसको आप लोगों को काम में लेना है। क्या करना है आप लोग देखिए अच्छे से। तो अभी क्या है कि अभी आप लोगों को ये जो एमसील आपने लिया, इसको अच्छे से लगाना है यहाँ पे। और ये दो जो पॉइंट है, दो पॉइंट के अंदर में ये एमसील जाना चाहिए। हाँ, मतलब दो पॉइंट मतलब दोनों साइड का जो आपका कॉपर वायर है, दोनों सेपरेट होना चाहिए। कुछ भी हो जाए, एमसील से एकदम अच्छे से सेपरेट कर लो, दोनों के मिडिल में भी लगा देना। और फिर ऐसे ही आप लोगों को इसको थोड़ा शेप दे देना है, और एक्सेसिव वाला पार्ट को आपको काट के फेंकना है। लेकिन ऐसे आप लोग कुछ देर के लिए छोड़ दो, दो घंटा छोड़ दोगे तो और इसको आप लोग छुड़ा नहीं पाओगे। तो उस हिसाब से आप लोगों को समझ के कि अच्छे से ये जम जाए, ये आप लोगों का भी मोटो है, ठीक है। तो देखते रहो वीडियो को। तो अभी मैंने इसको अप्रॉक्सीमेट आप लोग बोल सकते हो कि इसको मैंने 3 घंटा या 4 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया, तो ये बहुत अभी हार्ड हो चुका है। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, आप लोग देखिए अच्छे से देखना, ठीक है। अभी आप लोगों को इसको खोलना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि आपका जो एक्सटी केबल है नीचे वाला, उसके साथ अच्छे से एकदम चिपक जाए, ठीक है। तो आप लोग ऐसे खोल लीजिए, जैसे आप लोग खोलेंगे देख लेना कि इसके अंदर में नहीं चला जाए, इसके अंदर कुछ नहीं है फिलहाल। तो आप लोगों को दिखेगा एकदम अच्छे से ये शेप ले लिया है। अभी क्या करना है आप लोगों को, ये जो साइड साइड में अंदर के तरफ पे, अगर आपको जूम करके दिखाना पड़ेगा तब आप लोगों को समझ आएगा। तो ये अगर देखोगे आप लोग, तो इसके अंदर में थोड़ा थोड़ा करके अंदर गया था, क्योंकि इसको इसका जो अंदर है वो अंदर का पार्ट में भी थोड़ा सा वॉयड है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अंदर भी गया था, और साइड में भी थोड़ा एक्स्ट्रा है। तो साइड वाला पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसको काट देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअल में कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ठीक है, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। आप लोग समझ सकते हो ना कितना पैसा आप लोगों का बच रहा है। तो अभी आप लोगों को दिखेगा कि ये बहुत ही अच्छे से इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हो और डिसकनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मतलब ये एकदम सही से बन गया है। तो अभी क्या है, बस ऊपर के तरफ में आपको काम करना पड़ेगा। तो चलो ऊपर के तरफ में क्या काम करना पड़ेगा वो भी आप लोगों को मैं बताता हूँ।
तो अभी आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना, कुछ भी हो जाए आपका जो दोनों पॉइंट से जो जो वायर निकला हुआ है वो वायर आपस में कनेक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो अभी क्या है इसको हम लोग खोल लेते हैं। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे जो सेलो टेप आप लोगों को मैं दिखाया था जो लगाया था, इसको आप लोगों को काट देना है, काट देना है। नहीं तो आप लोग क्या करना, आप लोग ऐसे सोल्डरिंग आयरन लेना, सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके इसके मिडिल से इसको थोड़ा काट कूट के कुछ भी करके आप लोगों को निकालना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग इसको निकाल दो, तो चलो इसको निकाल देते हैं। अब लोग स्पार्क देखे, एक्चुअली में ये दो पॉइंट बस टच हो गया था इसीलिए वहाँ पे एक स्पार्क जनरेट हुआ, तो वो चीज़ आप लोगों को ध्यान देना है। अभी इलेक्ट्रिसिटी चला गया इसलिए वो लाइट बंद हो गया। यहाँ से आप लोगों को इजीली पता चल रहा है, तो आप लोग अभी देखते रहो, अभी मैं लास्ट में क्या करता हूँ।
तो अभी हम लोगों का जो XT कनेक्टर है वो हो गया है रेडी, एकदम बहुत ही चीप है। इसको बनाने में आप लोगों का टोटल खर्चा आएगा 5 रुपये भी नहीं। आप लोग बोल सकते हो कि इसको बनाने में आप लोगों को अप्रोक्सीमेटली 3 रुपीस का खर्चा हो रहा है, यानी 3 रुपया में आप लोग ऐसे XT केबल बना सकते हो। लेकिन अगर इसको आप लोग शॉप या ऑनलाइन ख़रीदने जाओगे तो 150 रुपये तो लग ही जाएगा, और अगर ऑफलाइन ख़रीदने जाओगे तो पेयर मिलता है 45 से 50 रुपीज़ में। मतलब फीमेल और मेल का जो पेयर होता है वो 50 रुपीज़ में मिलता है, और सिंगल बेचता है वो भी ऑफलाइन में भी 40 रुपीज़ ले ही लेता है। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना पैसा आप लोग बचा रहे हो। बस इस वीडियो को एक लाइक कर देना अगर आप लोगों को लगता है सच में कि आप लोगों का पैसा बच गया है, ठीक है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ टेस्ट करके दिखा देता हूँ कि ये हम लोगों का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये मैंने कनेक्ट कर दिया, देखिए कितना सिंपल है कनेक्ट करना, कुछ हार्ड एंड फास्ट कुछ है ही नहीं इस पे। तो ये है मेरा मल्टीमीटर, आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ कि वोल्टेज वहाँ से यहाँ तक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इतना ही काफ़ी है, इतना चेकिंग ही काफ़ी है। तो आप लोगों को दिख रहा है कि 12 वोल्ट आ रहा है, 12.4541 वोल्ट आ रहा है, मतलब इस पे वोल्टेज आ रहा है। तो यही काफ़ी है। बस एक चीज़ आप लोग करना कि जैसे कि मैंने यहाँ पे दो जो वायर है, दो वायर सेम कलर का लिया है, लेकिन आप लोग ब्लैक एंड रेड वायर ही लेना। तो आप लोगों का एक सुविधा होगा कि कभी बाई चांस आप लोग जब सर्किट में इसको लगाने जाओगे तब आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा किस साइड से आ रहा है, पॉजिटिव से आ रहा है कि नेगेटिव से आ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ बस आप लोग कर लेना, बाकी सब पूरा फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो ये रेड कलर का जो वायर है, यानी जो लाइव वायर है, ये बहुत ही प्यारा है, क्योंकि इसी तरह का एक रेड कलर का बटन आप लोगों को नीचे दिखेगा वीडियो के नीचे, वो जो रेड कलर का बटन है उस पर आप लोग क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद एक घंटा आएगा, उस पर भी क्लिक कीजिए। तो आप लोगों को मेरा चैनल में अपलोड होने वाला कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा ही जाएगा। तो कर लो भाई सब्सक्राइब, इतना कुछ तो बोल ही रहा हूँ। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कुछ सजेशन आप लोगों का है वीडियो का क्वालिटी अच्छा करने के लिए, या वीडियो किस टाइप का आप लोगों के लिए बनाना चाहिए, तो आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसे ही और भी वीडियो अगर आप लोगों को देखना है फ्यूचर में, तो मैं बहुत ही ज़्यादा सोच रहा हूँ कि क्या क्या वीडियो आएगा। तो अगर आप लोगों को वो सारा वीडियो देखना है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके रखना, ताकि जब भी मैं नया कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के पास उसका फास्ट नोटिफिकेशन पहुँच जाए, ठीक है। तो चलो आज के लिए टाटा बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। Bye.